काफी उत्साह है कार्यकर्ताओं में, राहुल गांधी खुद धन्यवाद आ रहे हैं। जी हाँ, और रोड शो भी करेंगे राहुल जी, तो उसको लेकर के फोन पर फोन आए जा रहा है और लोग जानकारी ले रहे हैं, उत्साह है, आना चाह रहे हैं और भारी मात्रा में यहाँ पर रोड शो में रहेंगे। ये कहा जा रहा है कि कीर्ति आजाद जी प्रत्याशी बने हैं तो राहुल गांधी आ रहे हैं, इसके पहले भी कई प्रत्याशी हुए लेकिन राहुल गांधी कभी आए नहीं इस तरह से। नहीं देखिए, राहुल जी की बात अलग है, मेरा व्यक्तिगत संपर्क भी उनसे है और परिवार से भी संपर्क रहा हुआ है और वह मेरे पिताजी के समय से है, नेहरू जी के समय से है, तो आ रहे हैं तो बड़ी प्रसन्नता की बात है और रोड शो कर रहे हैं सब जगह, तो उन्होंने जनसभाएं की हैं लेकिन यहाँ सीधा रूबरू होंगे लोगों के साथ में, तो यह मेरे लिए सौभाग्य है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धनबाद आ रहे हैं। तो आप धनबाद की जनता और समर्थकों और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि राहुल गांधी का रोड शो है, किस तरह से वो माहौल को बनाए रखें? माहौल मैं उनको बताऊंगा, माहौल तो वो बनाने के लिए पहले से ही उत्तेजित हैं। जब से उनके रोड शो की बात चली है तब से हमारे कार्यकर्ता, महागठबंधन के कार्यकर्ता, JMM, JVM, राजद और मासस के लोग और पूरा वामपंथ, ये सारे लोग उत्साहित हैं और वो सभी लोग आएंगे। तो कितने बजे का कार्यक्रम है और कितने देर चलेगा ये कार्यक्रम? यह 3-3:30 बजे शुरू होगा और लगभग 5 बजे तक चलेगा, बैंक मोड पर जाकर के यह खत्म होगा, उसके बाद राहुल जी यहाँ से निकल जाएंगे, वहीं पर पहले संबोधित करेंगे बैंक मोड पर और उसके बाद वहाँ से निकल जाएंगे। ये कीर्ति आजाद जी थे जो साफ तौर पर बता रहे थे कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का धनबाद दौरा है, वो रोड शो करेंगे और कई समस्याओं का भी इन्होंने जिक्र किया है जो वर्तमान सांसद नहीं कर पाए और इन्हें एक बार मौका मिलता है उन समस्याओं का निजात दिलाने में ये अहम भूमिका निभाएंगे। सबसे बड़ी बात आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का धनबाद में रोड शो है। अपने सहयोगी कन्हैया के साथ दिलीप कुमार, कशिश न्यूज, धनबाद। काफ़ी उत्साह है कार्यकर्ताओं में, राहुल गांधी खुद धनबाद आ रहे हैं। जी हाँ, और रोड शो भी करेंगे राहुल जी, तो उसको लेकर के फ़ोन पर फ़ोन आए जा रहा है और लोग जानकारी ले रहे हैं, उत्साह है, आना चाह रहे हैं और भारी मात्रा में यहाँ पर रोड शो में रहेंगे। ये कहा जा रहा है कि कीर्ति आजाद जी प्रत्याशी बने हैं तो राहुल गांधी आ रहे हैं, इसके पहले भी कई प्रत्याशी हुए लेकिन राहुल गांधी कभी आए नहीं इस तरह से। नहीं देखिए, राहुल जी की बात अलग है, मेरा व्यक्तिगत संपर्क भी उनसे है और परिवार से भी संपर्क रहा हुआ है और वह मेरे पिताजी के समय से है, नेहरू जी के समय से है, तो आ रहे हैं तो बड़ी प्रसन्नता की बात है और रोड शो कर रहे हैं सब जगह, तो उन्होंने जनसभाएं की हैं लेकिन यहाँ सीधा रूबरू होंगे लोगों के साथ में, तो यह मेरे लिए सौभाग्य है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धनबाद आ रहे हैं। तो आप धनबाद की जनता और समर्थकों और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि राहुल गांधी का रोड शो है, किस तरह से वो माहौल को बनाए रखें? माहौल मैं उनको बताऊंगा, माहौल तो वो बनाने के लिए पहले से ही उत्तेजित हैं। जब से उनके रोड शो की बात चली है तब से हमारे कार्यकर्ता, महागठबंधन के कार्यकर्ता, JMM, JVM, राजद और मासस के लोग और पूरा वामपंथ, ये सारे लोग उत्साहित हैं और वो सभी लोग आएंगे। तो कितने बजे का कार्यक्रम है और कितने देर चलेगा ये कार्यक्रम? यह 3-3:30 बजे शुरू होगा और लगभग 5 बजे तक चलेगा, बैंक मोड पर जाकर के यह खत्म होगा, उसके बाद राहुल जी यहाँ से निकल जाएंगे, वहीं पर पहले संबोधित करेंगे बैंक मोड पर और उसके बाद वहाँ से निकल जाएंगे। ये कीर्ति आजाद जी थे जो साफ तौर पर बता रहे थे कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का धनबाद दौरा है, वो रोड शो करेंगे और कई समस्याओं का भी इन्होंने जिक्र किया है जो वर्तमान सांसद नहीं कर पाए और इन्हें एक बार मौका मिलता है उन समस्याओं का निजात दिलाने में ये अहम भूमिका निभाएंगे। सबसे बड़ी बात आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का धनबाद में रोड शो है। अपने सहयोगी कन्हैया के साथ दिलीप कुमार, कशिश न्यूज, धनबाद।